शाम के वक्त ना करें ये काम। कहा जाता है कि शाम के समय कुछ ऐसे काम हैं जो वर्जित हैं और इन्हें करने से देवता रूठ जाते हैं, जिसमें सोने से लेकर पढ़ाई करना भी शामिल है। आज हम आपको उन्हीं कामों के बारे में बता रहे हैं जो कि मान्यताओं के अनुसार शाम के वक्त नहीं किया जाना चाहिए। नंबर एक, तुलसी। तुलसी से जुड़े हुए कुछ तथ्य। तुलसी के पास दीपक जलाएं, लेकिन जल ना चढ़ाएं। रोज़ शाम को तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने पर घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी में जल चढ़ाने के लिए सुबह का समय श्रेष्ठ माना गया है। शाम के समय तुलसी में ना तो जल चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी जी के पत्ते तोड़ने चाहिए। शाम को तुलसी को छूना भी नहीं चाहिए। नंबर दो पे हम बात करेंगे कि झाड़ू। झाड़ू शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ध्यान रखें कि शाम को झाड़ू ना लगाएं। ऐसा करने पर घर में सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। शाम से पहले ही घर साफ कर लेना चाहिए। बुराई और चुंगली ना करें। दूसरों की बुराई करना या चुंगली करना भी पाप ही है। इस काम से हमेशा बचना चाहिए। विशेष रूप से शाम के समय किसी बुराई या चुंगली ना करें। कुछ लोगों को दूसरों की बुराई करने में आनंद मिलता है, लेकिन ऐसा करने से हमें कोई लाभ नहीं मिलता है, बल्कि समाज में हमारी ही इज्जत कम होती है। नंबर पाँच पे हम बात करेंगे प्रेम संग से बचें। पति पत्नी को शाम के समय संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस काम के लिए रात का समय ही सर्वश्रेष्ठ रहता है। शाम को घर का वातावरण धार्मिक और पवित्र बनाए रखना चाहिए। संबंध बनाने के बाद शरीर की पवित्रता खत्म हो जाती है, इसलिए शाम को इस काम से बचें। सोना नहीं चाहिए। शाम को सोना अब स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जो लोग शाम को नियमित रूप से सोते हैं वे मोटापे का शिकार हो सकते हैं। जो लोग बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, जो स्त्री गर्भवती है वह शाम के समय सो सकती है। स्वस्थ लोगों को शाम को सोना नहीं चाहिए, वरना आलस्य बढ़ेगा। जिन घरों में लोग शाम को सोते हैं वहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट जो मैंने आप लोगों को साथ शेयर किए हैं। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।